आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी वसंत दादा पाटिल को याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 1 मार्च 1989 को हुई थी। 13 नवंबर 1917 को महाराष्ट्र के सांगली में जन्मे वसंत दादा पाटिल सरदार पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से बहुत प्रभावित थे। हालांकि वे सत्याग्रह के गांधीवादी दर्शन में विश्वास करते थे, लेकिन उनका ये भी मानना था कि केवल सत्याग्रह मोर्चे या जन आंदोलनों से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। वे क्रांतिकारी गतिविधियों से भी जुड़े थे। ब्रिटिश सरकार ने उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज किए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। विनोबा भावे के व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद वसंत दादा पाटिल सत्याग्रही बन गए। आजादी के बाद 1976 से 1985 के बीच वसंत दादा पाटिल 3 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। हम इस महान राष्ट्रवादी को नमन करते हैं। आज हम स्वतंत्रता सेनानी और कवि सोहनलाल द्विवेदी को भी याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 1 मार्च 1988 को हुई थी। राष्ट्रीय कवि के रूप में विख्यात द्विवेदी महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे। सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 22 फरवरी 1906 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हुआ था। उन्हें युगवतार गांधी सहित देशभक्तिपूर्ण कविताओं के लिए जाना जाता है। जिसके सिर पर निज धरा हाथ, उसके शिर रक्षक कोटि हाथ। जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए उसी पर कोटि माथ। तुम बोल उठे युग बोल उठा, तुम मौन बने युग मौन बना। कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, युग कर्म जगा युग धर्म तना। युग परिवर्तक युग संस्थापक, युग संचालक हे युगाधार। युग निर्माता युग मूर्ति तुम्हें, युग युग तक युग का नमस्कार। दृढ़ चरण सुदृढ़ कर संपुट से, तुम काल चक्र की चाल रोक। नित महाकाल की छाती पर, लिखते करुणा के पुण्य श्लोक। हे युग दृष्टा हे युग सृष्टा, पढ़ते कैसा यह मोक्ष मंत्र। इस राजतंत्र के खंडहर में, उगता अभिनव भारत स्वतंत्र। सोहनलाल द्विवेदी को भारत सरकार ने 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। हम इस महान भारतीय कवि को नमन करते हैं। स्वतंत्रता सेनानी नौहाल सिंह को भी आज हम याद कर रहे हैं, जिन्हें 1857 में भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने पर अंडमान द्वीप समूह निर्वासित किया गया था। वे प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल सेना में सैनिक थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और बिहार तथा बंगाल में विभिन्न स्थानों पर ब्रिटिश प्रतिष्ठानों पर कई हमलों में भाग लिया। ऐसे ही एक हमले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह का आरोप लगाया गया और आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। कालापानी में नजरबंदी के दौरान 8 जुलाई 1859 को नौहाल सिंह की मृत्यु हो गई। इस महान शहीद को हमारा नमन। हम राष्ट्रवादी महारानी ओरैन को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने तिभागा आंदोलन में भाग लिया था। 1 मार्च 1947 को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में ज्योतेदार के अन्न भंडार पर छापेमारी के दौरान पुलिस की गोलीबारी में उनकी मौत हो गई थी। हम भारत की इस बहादुर बेटी को सलाम करते हैं।